पाकिस्तान अपना ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, ये तो पहली बात के एक फॉल्स न्यूज़ है। रही बात इसकी कि क्या पाकिस्तान फ्यूचर में अपना न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, तो ये भी कुछ सालों तक सोचना भी गलत होगा। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, ये एक लॉजिकल सी बात है। पहली बात यह कि पाकिस्तान की टेरिटरी ऐसी है कि फिलहाल इसे किसी कैरियर की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट 5 to 10 billion dollars की पड़ती है और उसको मेंटेन रखने की सालाना कॉस्ट इन एवरेज 1.18 billion dollars होती है। चलो हमने नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं बनाया तो सेकंड हैंड कैरियर भी अबाउट 3 billion dollars का पड़ेगा, जिसको मेंटेन रखने के लिए हर साल $1 billion लग सकते हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान मिलिट्री के बजट की बात करें तो 10 से 12 billion dollars का है। ये ओवरऑल मिलिट्री बजट है, ना कि सिर्फ नेवी का।